दुनिया को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराने वाले ऑस्कर विजेता जीन डिच का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। जीन एनिमेटर, प्रोड्यूसर, बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर थे। जीन 16 अप्रैल को प्राग स्थित उनके अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनके करीबी रहे पीटर हिमल ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की है। जीन ने पहले टॉम टेरिफ सीरीज बनाई थी, जबकि उन्होंने सिडनी फैमिली ट्री को भी को प्रोड्यूस किया था। दोनों ही सीरीज 1958 के एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। जीन को मशहूर कार्टून कैरेक्टर टॉम एंड जेरी की वजह से सबसे ज्यादा पहचान मिली। इसके अलावा उनकी फिल्म मुनरो ने बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए 1960 में एकेडमी अवार्ड जीता था। डिच दूसरी बार 1964 में भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। जीन का जन्म 8 अगस्त 1924 को शिकागो में हुआ था। वे 1959 में प्राग पहुंचे थे। यहां वे सिर्फ 10 दिन बिताने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यहां फ्यूचर वाइफ मिल जाएगी। जुडेंको से प्यार होने के बाद जीन ने अपना नया ठिकाना चेकोस्लोवाकिया में ही बना लिया। इसके बाद जॉन ने टॉम एंड जेरी के 13 एपिसोड डायरेक्ट किए। उन्होंने पोपाय द सेलर सीरीज के भी कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए थे। जीन ने 1989 में चेकोस्लोवाकिया और चेक में कम्युनिस्ट विरोधी क्रांति होने के बाद प्राग में रहने का निर्णय लिया। एनिमेशन में अपना अतुलनीय योगदान देने के लिए 2004 में जीन को विंसर मकई अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Best Friendy.